आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्लिप टूल एंड स्लाइड टूल के ऊपर। किसके ऊपर? स्लिप टूल एंड स्लाइड टूल। ये हमारे दो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं। मतलब अगर मैं इम्पोर्टेंट टूल्स की बात करूं, किस वे में इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, कुछ जैसे मैंने आपको पहले आपको रिपल एडिट, रोल एडिट, रिलेटेड स्ट्रेच पर समझाया था, ये वेरी मतलब लाइक जैसे वो इम्पोर्टेंट थे, सेम एज इट इज ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। अब इन पर वर्कआउट कैसे करते हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया किसी भी टूल्स पे वर्कआउट करने के लिए, जैसे ये थोड़ा टेक्निकल टूल्स हैं, तो मैं थोड़ी दो तीन फुटेजेस ले आता हूँ ताकि मैं उसको इजीली समझ पाऊँ, अंडरस्टैंड कर पाऊँ उस पर। तो मैं थोड़े मिड ऑफ द फुटेज लेके आता हूँ, थोड़ा सा कट करके कि मैं तीन तो विजिबल नहीं हो पा रही सर स्क्रीन में, बड़ी कुछ इशू आया है। मैं दोबारा कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। नाउ विजिबल? अब विजिबल है सर। तो मैं तीन फुटेज को बीच में से कहीं से भी कट करके मैं तीन फुटेज को लेके आ रहा हूँ। खाली मेरे को फुटेज का सिनेरियो समझना है कि एक्चुअली फुटेज क्या कह रही है या फिर इस पर काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने फुटेज को एक साथ में लगा लिया, आपको दिख रहा होगा, मैं फुटेज को प्ले करके भी दिखाऊंगा सीरीज। ठीक है, नॉर्मल फुटेज है, बिल्कुल समझ में आया, फुटेज बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें मैंने ऐसा कुछ फुटेज में इंपोर्ट नहीं कराया, कुछ भी ऐसा नहीं किया, जस्ट नॉर्मल कट एंड कट करके लगाई हुई है। ये वाली और ये वाली फुटेज हमारी सेम है और ये वाली फुटेज दूसरे कैमरे की है, राइट। तो पहला टूल हम जो लेते हैं यहाँ पे है स्लिप टूल। क्या नाम है उसका? स्लिप टूल। इसका हम यूज कैसे करते हैं, देखिए मैं एक पेंट ब्रश खोल रहा हूँ। क्या खोल रहा हूँ? पेंट ब्रश। पेंट ब्रश, इसकी हेल्प से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आप लोगों। ये एक पूरी फुटेज है, इसकी ड्यूरेशन है 0 to 10। क्या है? 0 to 10। मैं इसमें इन आउट करके लाया हूं, मैंने इसको यहां से कट किया और यहां से इसको यहां तक लिया, यानी ये इसका आई पॉइंट हुआ, ये इसका आउट पॉइंट हुआ। ड्यूरेशन ले लेते हैं 4 to 6, यानी मेरे पास जो ये फुटेज है, ये वाला एरिया, इसकी ड्यूरेशन क्या हुई 4 to 6 में? 2 सेकेंड्स। कितनी हुई? 2 सेकेंड। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। पक्का? हाँ जी। वेरी गुड। सो सेम ये फुटेज है, ये 0 to आप समझ लो 10 तक की फुटेज टोटल थी, इसमें मैंने 2 से 4 तक की काट रखी है, 2 से 4 से 6 तक की काट रखी है, यानी 4 पॉइंट है, 6 पॉइंट है। एक एग्जांपल के लिए उसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो टूल का क्या करता है, ये टूल अपने इन और आउट, यानी ये जो इन है और ये जो आउट है, इसको लॉक रखता है। मतलब ये मतलब अपनी जगह से नहीं लेगा, ये लोकेशन अपनी जगह से नहीं लेगी, ठीक है। जब मैं इसको मूव करूंगा तो मेरी या तो ये वाली फुटेज उठ के इधर आ जाएगी, जब मैं इसको राइट में मूव करूंगा तो ये वाली फुटेज उठ के इधर आ जाएगी, यानी ये 0 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। इन केस अगर मैं इसको मूव करता हूँ ऑन द लेफ्ट, तो ये हमारा बन जाएगा 10 बन जाएगा और डिस्टेंस बन जाएगा 8, राइट। करके देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकली। जैसे मैं क्लिक करूंगा सीधे, जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, 2 सेकंड पीछे हो गया है लेफ्ट में, लेकिन मेरा इन और आउट पॉइंट स्टेबल है, मेरी फुटेज इट्स स्टेबल, फुटेज में मेरा कोई डिफरेंस नहीं है सीधे। अब मैं इसको एग्जांपल प्रैक्टिकली भी देख लेता हूँ। देखो वो लड़की खांस रही है और फिर बोल रही है, अब मैं चाहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा खांस रही है, मैं कहता हूँ इसको मूव करना है आगे की तरफ। खांसने वाला सीन थोड़ा बाद में आना चाहिए, जस्ट क्लिक किया बाद में कर दिया उसको सीधे, अब खांसने का सीन बाद में आएगा, करेक्ट? क्लियर हुआ? आई नो कि वो थोड़ा थोड़ा ही क्लियर होगा, इतना थोड़ा इतना इजी भी नहीं है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कहना चाह रहा है। दोबारा देखते हैं, 0 to 10 की फुटेज थी, मैंने उसको कट किया 4 to 6 में, 4 to 6 करने के बाद मैं कह रहा हूँ उसको अगर मैं राइट में स्विच करता हूँ तो वो 0 to मूव स्विच हो जाएगा, लेकिन इन और आउट मेरा एग्जैक्ट ऐसे ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे, राइट। सी दिस शिफ्ट हो रहा है, अब वो खांसने वाला सीन भी निकल गया क्योंकि मैं उसको ज्यादा बाहर निकाल दिया, फुटेज को मैं ज्यादा मूव कर दूंगा तो वो बाहर निकल जाएगी, और एक लेवल ऐसा आएगा कि इस जब इसके बाद फुटेज खत्म हो जाएगी, यहां से आगे फुटेज नहीं होगी, तो उसको लॉक कर देगा, उसे आगे मूव नहीं करेगा। क्लियर? आई नो कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अभी आपके लिए, जब तक आप इसे प्रैक्टिकली वर्कआउट नहीं करोगे तब तक वो चीज नहीं समझ में आएगी, आप जब तक खुद उस पर प्रैक्टिकली वर्क नहीं करोगे। अभी क्या है, मैं उस पर प्रैक्टिकली वर्क कर रहा हूँ, आप लोग नहीं कर रहे हो, तो जब आप उस पर प्रैक्टिकली छोटे छोटे क्लिप्स को लेंगे, ये तो इट्स अ वेरी लॉन्ग क्लिप, मतलब 10 मिनट की क्लिप है, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर जब आप इसमें 10 सेकंड या 20 सेकंड की क्लिप पे वर्क करोगे तो आप इजिली इसको समझ सकते हो। जब क्लिप का ड्यूरेशन ही 10 सेकंड का होता है तो
इजीली अंडरस्टैंड कि वो क्लिप क्या कहना चाह रही है या वो टूल मेरे से क्या कहना चाह रहा है। क्लियर है? एक बार इसको देखना, इन केस अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टूल तो विल एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम, डोंट वरी। ठीक है, तो आपका मतलब है कि इसमें हम मैंने तीन अलग अलग क्लिप्स ली और उसको देखिए बात मेरे यहाँ तीन अलग क्लिप लेने से मेरा पॉइंट ये नहीं था, मैं जस्ट दिखाना चाह रहा था मैं, लेकिन अगर एक सिंगल क्लिप पे भी करना चाहूँ तो मैं एक सिंगल क्लिप पे भी इसको मूव कर सकता हूँ। इन आउट पॉइंट लॉक्ड है, फुटेज मूव हो रही है, मतलब उसका जो एरिया है वो स्टेबल्ड है, अंदर का सिर्फ फुटेज मूव हो रहा है। फुटेज मूव हो रहा है, ठीक है। एक बार करोगे एग्जांपल के थ्रू, खुद करोगे प्रैक्टिस तो डेफिनेटली पता चलेगा। इफ लाइक नॉट एबल टू अंडरस्टैंड तो विल डिस्क्राइब यू वन मोर टाइम, डोंट वरी। ठीक ओके, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसका एक्सप्लेन करना, लेकिन विल डिस्क्राइब इन वन मोर टाइम। नेक्स्ट टूल पे आप चलते हैं, स्लाइड टूल। ये क्या करता है, ये मैंने अगर इस फुटेज पे क्लिक किया तो ये फुटेज का इन पॉइंट आउट पॉइंट लॉक होगा, फुटेज भी लॉक होगी। वहां पे फुटेज लॉक नहीं हो रही होती, यहाँ पे फुटेज भी लॉक होगी, इन पॉइंट और आउट पॉइंट भी लॉक होगा। एंड जब मैं इसको मूव करूंगा तो मेरी लेफ्ट वाली फुटेज ट्रिम हो जाएगी और राइट वाली फुटेज एक्सटेंड हो जाएगी। सी दिस, अगर मैं राइट में करूंगा तो राइट वाली फुटेज ट्रिम हो जाएगी और लेफ्ट वाली एक्सटेंड हो जाएगी। रोल एडिट में हमारा सिर्फ इन पॉइंट, हमारा जो कट वाला एरिया था वो एक्सटेंड होता था, फुटेज नहीं एक्सटेंड होती थी। मतलब इट्स वेरी सिमिलर, इट्स वेरी सिमिलर, नो डाउट इट्स वेरी सिमिलर। उसके अंदर क्या होता था, हम अपना कट को शिफ्ट करते थे। यस, इसमें हम फुटेज को शिफ्ट कर रहे हैं, फुटेज को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम जिस इस टूल से जिस फुटेज को सिलेक्ट करेंगे बस वही लॉक होगी ना, या करेक्ट? जैसे इसको मैं इसको करूंगा तो यही लॉक होगी, इसको करूंगा तो सिर्फ ये लॉक होगी। अच्छा, सेलेक्ट करने का तरीका इस टूल को यूज करके बस उसको सेलेक्ट करना, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, प्रेस करना, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, इट्स वेरी इजी, जस्ट क्लिक करना है, ड्रैग करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई भी चीज यूज नहीं करनी है, राइट? ओके, टेक 2-3 मिनट्स एंड अंडरस्टैंड कि लाइक कि इन टूल्स को यूज कैसे करना है और ये टूल्स है क्या, अदरवाइज विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम। ठीक है सर, ओके सर।